देखिए यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है, ये है पवन चक्की का सीन। यहाँ से देखिए बंदर जी उतर रहे हैं ऊपर से, ऊपर चढ़ गए थे पहले, अब ये थोड़ी थोड़ी घूम रही पवन चक्की। चढ़ाते निकलेगा बस्त्री बाबा की जय बोल के, और अपने को अकबरपुर से दो थैले दूध लेगा, जाते वहाँ गर्म करवा के पी के 10-5 मिनट अपन कपड़ा सुबह ले निचोड़ लेगा, है ना, बाथरूम में जाके निचोड़ लेगा, फिर अपन चलेंगे, फिर अपन दूध पी के अपन 10 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट लगेंगे यहाँ जावा में। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी। मे भी आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लिया होगा कर्ण अर्जुन का, जिसमें मैंने एक कर्ण अर्जुन का घर दिखाया था, और जो कर्ण अर्जुन यहाँ पे खड़े होते हैं वो दो सीढ़ियों सी पे यहाँ पे बोलते हैं मुंशी जी कर्ण अर्जुन अमरीशपुरी को बोलते हैं, तो वो वाला सीन आपने देख लिया होगा मेरी लास्ट वाली वीडियो में। अभी ये सेकेंड वाली वीडियो है कर्ण अर्जुन की, ये गाँव भीलवाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर और तहसील है बिराटनगर, राजस्थान में है ये जगह। पूरी वीडियो का क्रेडिट जो जाता है ये जाता है मिस्टर कानाराम जी को, इन्होंने हमें पूरी लोकेशन बताई आज, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको वो सीन दिखाऊंगा जहाँ पर जो राखी जी हैं निकलती हैं यहाँ से, और अमरीश पुरी साहब की जो गाड़ी निकलती है, तो वो वाला सीन यहीं का है। अभी मैं यहाँ पर बैक कैमरा से सीन शूट करने वाला था, तो बारिश से जो शुरू हो गई है, अभी हम पेड़ के नीचे हैं, वैसे देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, तो हम यहाँ पर चाय पीने आए हैं। ये देखिए इधर अंकल जी नीचे चाय बना रहे हैं, और उधर तीनों साथी लोग बैठे हैं, और इधर ये भाई साहब देख रहे हैं, हंस रहे हैं, वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये देखिए इधर बारिश हो रही है, काफ़ी पानी गिर रहा है, और यहाँ से देखिए पवन चक्की के पास में ही है हम, जो पवन चक्की है ये पीछे, पवन चक्की घूम रही है उधर, देखिए बरगद का पेड़ है उसके ऊपर घूम रही है, क्यों अभी हवा चल रही है, मौसम बारिश का है, बारिश भी हो रही है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो यहाँ से चाय पीते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं बारिश थमने का, जैसे ही बारिश थम जाएगी तो दूसरी साइड से जाएंगे और वो पवन चक्की का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। पवन चक्की के सामने ही वो सीन है जहाँ पर फिल्म शूट हुई थी, आपने देखा यहाँ पे फिल्म शूट हुई थी, तो कौन सा गाना शूट हुआ वहाँ पे? भंगड़ा पाले देखा था आपने, सही बता रहे हो, कौन कौन आए थे गाने में? सारे कलाकार थे। कौन कौन? ममता कुलकर्णी, शाहरुख खान, सलमान। अच्छा उस टाइम क्या करते थे आप? दुकान ही करते। उस टाइम दुकान ही करते थे, छोटा था मैं भी। कितनी एज होगी इस टाइम? पता नहीं, कौन सी फोटो थे जी, टाइम वो फिल्म बनी थी ना, फिल्म बनी ना आप कर्ण अर्जुन? पाँचवीं छठी में पढ़ता हूँ। पाँचवीं छठी में पढ़ते, ये अंकल जी भी पहले पाँचवीं छठी में ही पढ़ते थे, और उधर जो वो उधर बैठे हमारे साथ आए थे कान्हा राम जी, वो भी जब छठवीं क्लास में पढ़ते थे देखने आए थे सीन। कितनी भीड़ हो गई थी यहाँ पे? खूब सारी भीड़ हुई थी, और गाड़ी वाड़ी लेके आए होंगे, मजा आ रहा होगा देखने में। वीडियो कॉलिंग पे जगह वीडियो कॉलिंग नहीं, वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर आएगी ये वीडियो, देखना आप सतेंद्र नाम से। कौन देगा? नहीं ले लो आप। बारिश अभी बंद हो चुका है, और पवन चक्की जस्ट सामने है, निकल रहे हैं हम, देखिए सड़क पर पूरा पानी पानी भर गया इधर तक पूरा। अभी मैं पवन चक्की के जस्ट सामने खड़ा हूँ, देखिए नीचे से दिखा देता हूँ आपको पूरा नज़ारा, ये है पवन चक्की का टावर है पूरा, और ये है पवन चक्की ऊपर, अभी बंद है क्योंकि अभी बारिश रुक चुकी है, और जो हवा है वो भी रुक चुकी है, लेकिन सीन उधर से लिया गया, दूसरी साइड से उधर चलते हैं और फिर दिखाते हैं। ये बारिश की वजह से ये रास्ता जो अवरुद्ध हो गया है, ये देखिए रास्ते में रुकावट आ गई, ये नाला है, ये सीधा पानी जा रहा है उधर, पता नहीं कहाँ निकल रहा है, और उधर से देखिए पूरा नाला है आ रहा है, ये देखिए इधर से हम यहीं से निकल जाते, लेकिन अभी बरसात की वजह से सारा मामला ख़राब हो गया है। अभी हम निकल रहे थे बंगला पाड़े, सत्येंद्र जी सही बोलो, बंगला पाड़े, बंगला भाई भंगड़ा पाले, भंगड़ा। अभी हम वो सीन शूट करने के लिए जा रहे थे भंगड़ा पाले आजा, लेकिन उससे पहले एक सीन मिला है जहाँ पर राखी गुलजार जी खड़ी होती हैं और अमरीश पुरी साहब की गाड़ी निकलती है, तो चलिए वही सीन दिखाते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं। हालांकि पहले वही दिखाने वाला था, बरसात आ गई थी तो आगे चले गए थे,
आगे हम बरसात के बाद हम वहाँ से ले गए थे, यहाँ पर पवन चक्की थी, तो वो सीन ले लिया हमने। अभी वो सीन दिखाते हैं जिसमें अमरीश पुरी साहब की गाड़ी आती है और राखी गुलजार जी को मारने के प्लान बनाते हैं वो लोग। चलिए देखते हैं। अमरीश पुरी साहब की गाड़ी जो इधर से आती है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिजली का एक खम्भा दिखाया गया है और देखिए ये एक शीशम का पेड़ दिखाया गया है। ये सीन दिखाया गया पूरा। और ये भाई साहब हमें देख रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो साइकिल से? दुकान पे। दुकान पे जा रहे हैं। ये पीछे से देख रहे थे हमें चुप कैसे कैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये सीन था इधर से। उसके बाद जो है राखी जी जो हैं यहाँ पर खड़ी होती हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो हैंडपम्प है ये भी दिखाया गया है, तो इसके लिए मुझे स्क्रीन शॉट देखना पड़ेगा कहाँ से लिया गया था वो सीन, वो बाद में दिखाऊँगा। तो गाड़ी जो है इधर से सीधा आके इधर मुड़ जाती है गाड़ी, और इसी रास्ते में यहाँ पर इधर धकेलते हैं राखी जी को। यहाँ से ये सीन लिया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में पूरा नज़ारा क्लियर है। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए हैं लेकिन कुछ घर भी बने हुए हैं ऐसे ही। और ये एक सीन जो है यहाँ से शूट किया गया था, मैं जो आपको बताता है हेडपम्प वाला सीन, इसमें ये हेडपम्प दिखा हुआ है स्क्रीनशॉट में, आप देख सकते हैं पूरा ये हेडपम्प दिख रहा है। और यहाँ पर जो अभी ये बाथरूम बना है, यहाँ पर पहले नहीं था ये। और सामने जस्ट जो आप देख रहे हैं ये बिजली का खंभा खड़ा है, ये भी दिख रहा है मूवी में। और ये देखिए मुर्गे घूम रहे हैं, एक मुर्गा ये, एक ये है, उधर बकरी खड़ी हैं। शानदार है नज़ारा। पीछे से गाड़ी आ रही है तो साइड में होना पड़ेगा थोड़ा सा, रुक गई अभी। चलिए, और यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट में आप देखना ध्यान से, एक टंकी दिख रही होगी आपको पहाड़ के ऊपर। वो टंकी अभी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो टंकी भी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँगा लेकिन करीब से दिखानी पड़ेगी, दूर से नहीं दिखा सकता। पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, टंकी और जो पवन चक्की है वो जस्ट है, सामने हैं दोनों। ये देखिए ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये बिजली का खंभा दिखाया गया है एक स्क्रीनशॉट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सीन यहाँ पे शूट हुआ फिल्म का, इसमें देखिए बिजली का खंभा भी दिख रहा है और जस्ट सामने घर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाथरूम बना दिया इसलिए वो घर नहीं देख पा रहा है। आप स्क्रीनशॉट में देखना ध्यान से। इधर देखिए ये जो मैं घर दिखा रहा हूँ आपको, इसमें जो है झरोखा लगा हुआ है ये भी दिख रहा है। और देखिए इस बाथरूम से नहीं दिख रहा है वो वाला घर, देखिए स्क्रीनशॉट में आप ध्यान से देखना, ये वाला घर दिख रहा है। इसका कलर पहले वाइट था लेकिन अभी चेंज कर दिया गया है। ये आप ध्यान से देखना, ये वही घर है और सीन यहीं का है और हैंडपम्प भी यहीं पे लगा हुआ है। ये नज़ारा है यहाँ का पूरा। ये देखिए बंदा फिर से आ गया, बारिश का पूरा इंतजाम है, छतरी वतरी टांगे, बैठ के चला है ना साइकिल, बैठ के चला साइकिल जब मज़ा आएगा। अरे अरे यार इसमें तो वही नहीं देखा, इसमें तो सीट ही नहीं है, कहाँ बैठेगा। क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु कहाँ जा रहे हो भाई? दुकान से होया है? हाँ। क्या लेके आए दुकान से? अब फोटो कॉपी करा के आएंगे। सुनो भाई, रास्ता जो हमें मिल गया है, मनीष भाई उधर निकल लिए हैं और काना राम जी उधर निकल रहे हैं, हम भी निकलेंगे इधर से ही। अरे यार आ गए, उस खेत में पहुंच रहे हैं, देखेंगे आगे। फाइनली अभी मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर भंगड़ा पाले जो गाना है शूट हुआ था। और बारिश की ना रिमझिम रिमझिम बूंदें गिर रही हैं, तो डर भी लग रहा है कहीं मोबाइल ख़राब ना हो जाए। देखना इधर पानी भरा हुआ है, पानी में आप देख सकते हैं बूंदें गिर रही हैं, थोड़ा बूंदें थम जाएंगी तब आपको यहाँ का लोकेशन दिखाऊँगा मैं। और यहाँ से पवन चक्की क्लियर दिख रही है, देखिए वो पीछे आपको नहीं दिख रही है, शायद बैक कैमरा से दिखानी पड़ेगी। और जिस टंकी के बारे में आपसे बात कर रहा था, वो टंकी देखिए वो है दिख रही है छोटी सी, वो दूर से नहीं दिख रही थी क्योंकि काफ़ी यहाँ पे पेड़ थे। बैक कैमरा ओपन करूँगा तो पूरा नज़ारा यहाँ का दिख जाएगा, टंकी भी दिख जाएगी और ये पवन चक्की भी दिख जाएगी, यहाँ की लोकेशन भी। और आपको बता दूँ मैं, ये पवन चक्की का जो सीन है गाने में भी लिया गया है, एक बार गाना आप देखना गौर से, और स्क्रीन शॉट भी लगा दूँगा मैं, उसमें भी आप देख सकते हैं पवन चक्की का सीन दिखाया, थोड़ा सा सीन है लेकिन उसमें। ये देखिए गाने में एक सीन यहाँ से लिया गया है, इधर ये पहाड़ दिखाया गया है पूरा आप देख सकते हैं, और इधर से देखिए ये पवन चक्की दिखाई गई है, पवन चक्की आपको क्लियर दिख ही रही होगी। और वो टंकी भी देख लेना भाई, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। वीडियो में अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ, नहीं मोबाइल ख़राब हो जाएगा, अभी निकलते हैं ऐसे, बाद में देखेंगे अगर टाइम मिला तो वीडियो शूट करेंगे, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे, अभी बारिश का बढ़ गया। चलो सो फाइनली अभी हम सभी भीग चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी हालत, बाल भीग चुके हैं और चश्मों में भी अंदर पानी जा चुका है, और फिर आप देख सकते हैं टी-शर्ट पर भी काफ़ी पानी है। और अभी हमने एक मंदिर है यहाँ पर बजरंग बली का, यहाँ पीछे देख सकते हैं बजरंग बली की प्रतिमा लगी हुई है, तो बजरंग बली के मंदिर में हमने यहाँ पे शरण लिया आकर। ये देखिए पीछे ये भी बैठे हैं, ये भी सब भीग चुके हैं,
और बारिश जो है पहले थम गई थी लेकिन दोबारा से रुक गई। देख यहाँ पे जाल लगा हुआ है, तो बारिश जैसे ही बंद होती है फिर दोबारा वहीं जाएंगे, फिर शूट करेंगे। तो मेहनत डबल नहीं ट्रिपल और चौगुनी हो गई बहुत ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, और हो सके तो कमेंट भी कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले मेहरकला गांव गया था कर्ण अर्जुन की शूटिंग के लिए, वहां पे भी पूरे दिन बारिश हुई थी और पूरे दिन बारिश में मैंने शूट किया था। और यहां पर भी एक कर्ण अर्जुन की शूटिंग के लिए आया हूं तो यहां पर भी बारिश हो रही है। और हाँ, एक सीन और रह गया वो वाला जहां पर शाहरुख खान आते हैं जेल से छूट कर, तो वो यहां पर थोड़ा सा आ गया वो सीन। वहां पर ये अपनी माँ यानी कि जो उनके पिछले जन्म की माँ होती है राखी जी, तो उनसे वो मुलाकात करते हैं। हालाँकि वो वही सीन है जहाँ पर जो राखी गुलजार जी, ओह माय गॉड मंकी आ गए भैया, हमने देखिए दरवाज़ा बंद नहीं किया। ओहो हो भाई, इनसे ना बोलो मत, बोलो मत नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, चुप रहो भाई। मैं ना नहीं नहीं नहीं, गेट बंद नहीं किया, अपने आप चले जाएगा भाई, बारिश हो रही है ना तो। हाँ हाँ हाँ, तो ना अरे मैं क्या बोल रहा था वो। देखो सीन अभी कुछ ऐसा हुआ, बारिश के कारण हम अंदर चले गए थे, उधर मंदिर में ठहरे थे और अभी हम वापस उधर ही आ गए हैं। तो चलिए, बारिश जो बिल्कुल थम गई है, वहाँ पे हम करीब 15-20 मिनट रुके थे, इतनी देर बारिश हुई थी दोबारा से। अभी मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, पूरी लोकेशन, और यहीं पर वीडियो को एंड करते नहीं तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये लोकेशन मैं आपको दिखा चुका था पहले ही, और अभी बाकी जो लोकेशन है वो देखता हूँ स्क्रीन शॉट में कहाँ कहाँ से लिए मूवी में से, तो वो सारी लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी गाने में एक सीन यहाँ से लिया गया जब ये बरगद का पेड़ उसमें दिखाया गया है, और यहाँ पर देखिए पेड़ हैं दो साइड में खड़े हैं, इनसे सीन नहीं दिख रहा जिसमें एक मकान बना था उसमें चार जंगले दिख रहे थे। और ये वाला सीन मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, और आप नीचे स्क्रीन शॉट देखना, उसमें एक पेड़ दिख रहा होगा, वो शायद बबूल का पेड़ था, वो इस जगह पे था, वो यहाँ पे था कहीं। और उसमें देखिए ये मकान दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा पूरा लोकेशन। उसमें देखिए ये घर दिख रहा था वाइट कलर का, और पेड़ भी दिख रहा था लेकिन अभी वो पेड़ है नहीं, पेड़ टूट गया। हालाँकि ऐसा का ऐसा ही पेड़ देखिए जस्ट सामने है वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में जो अंकल जी वहाँ पर खड़े हैं कान्हा राम जी, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे था वो पेड़, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल लोकेशन जो देखी थी यहाँ पे शूट हुआ था गाना, ये कर दिखाया गया उसमें। और एक सीन इधर से लिया गया है, वो जो येलो कलर में घर दिख रहा है वहाँ का सीन है, लेकिन और पहले बता दूँ मैं आपको, ये जो बाउंड्री हो रखी है ये पहले नहीं थी, ये बाउंड्री जब शूट हुआ था यहाँ पर गाना तब ये नहीं थी बाउंड्री। और बता दूँ आपको मैं, ये जो लोकेशन है जो आप देख रहे हैं खाली मैदान पड़ा है, ये पहले भी खाली था और अभी भी खाली है। खेलते हैं इसमें, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं, आप खेलते हो क्रिकेट? हाँ। यहीं पे आते हैं खेलने? यहीं पे आते हैं सब। कितने दिन से? आज नहीं खेले, मैं कल खेले थे। कल खेले थे यहाँ पे क्रिकेट? है ये जमीन वाला। है जमीन वाला, कहाँ है वो? तो वहाँ पे बुवाई क्यों नहीं करते फिर इसकी? है? इसकी बुवाई क्यों नहीं करते? बुवाई कैसे? मतलब इसमें जुताई बुवाई क्यों नहीं करते सरसों, मतलब कोई भी खेती वगैरह? अब खेती नहीं करते, बाद में बुवाएंगे। चलो हो गया। जब फिल्म यहाँ पे शूट हुई थी तब भी यहाँ पे बुवाई नहीं हो रखी, अभी भी नहीं है। और इस जैसे कि मैंने बताया ये दीवार नहीं थी पहले, अभी हुई है। सो फाइनली अभी सीन ये है, वो घर मैंने देखा था लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ी सी वहाँ की दीवार दिख रही है येलो कलर में, आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको क्लियर वो दिख जाएगा। इसके लिए ना ये जो बाउंड्री हो रखी है दीवार जो है इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और वो हम चढ़ नहीं सकते, क्या पता कोई पंगा हो जाए फिर, इसलिए इतनी रिस्क लेना भी ज़रूरी नहीं है। लोकेशन एक्चुअली में यही है, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं पवन चक्की वो दिख रही हो आपको, और उसके जस्ट पीछे वहाँ पे ये वाली ये टंकी रखी है पानी की ऊपर है, और ये बहुत समय से जब फिल्म शूट हुई तब भी ये थी यहाँ पे टंकी, और ये पवन चक्की भी थी। अभी मैं आपको एक बार टंकी का और इसका दिखा देता हूँ सीन, आप एक बार खूब देख लो दोनों सीन को। तो चलिए दिखाता हूँ आपको सीन। सो फाइनली देख लीजिए, जो पवन चक्की है इसका सीन ये है, और पीछे जो टंकी है उसका सीन, दोनों सीन क्लियर हैं, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, देख सकते हैं वीडियो में, देख सकते हैं, और फिल्म में तो आपने देखा ही हो क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा कमेंट जो थे पवन चक्की के ही थे। यहाँ का जो सीन था इस गांव का बीरवाड़ी का वो क्लियर हो चुका है, अभी
कान्हा राम जी एक सीन और हमें बता रहे हैं, जब सलमान खान और शाहरुख खान जी जो हैं चूड़ियाँ लेकर आते हैं, वो जो चूड़ियाँ लेकर आते हैं जो रेत के टीले से कूदते हैं, वो वाला सीन बताने वाले हैं। वो करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी चलते हैं, उसको भी सीन को आज क्लियर ही कर देते हैं। और फिर उसके बाद में एक सीन और रह जाएगा, लास्ट वाला सीन है वो। मैंने कितना दूर है यहाँ से, वो पहाड़ वाला सीन कुशलगढ़ के पास है, कुशलगढ़ के पास में। अरे वो पहाड़ वाला सीन पत्थर का, हाँ पत्थर, वो तो इनको पता है ना कुशलगढ़ को। नहीं नहीं, वहाँ पर हमें मिला था ना वो सीन भरतरी को। अरे वो कितना दूर, अपने अलवर में पड़ता है। कितना दूर यहाँ से, यहाँ से पड़ जाए करीब 30। तो एक लास्ट वाला सीन है वो करीब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वो भी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया हालांकि। तो वहीं हम वीडियो फिर एंड करते हैं, पहले ये सीन देख लेते हैं रेत के टीले वाला, उसके बाद वहीं चलते हैं लास्ट में। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं रेत वाले टीले पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको पवन चक्की जो यहाँ पर लगी हुई है इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये क्यों लगी है, इसका क्या रीज़न है। यहाँ पर एक पानी का कुआ है इसके जस्ट नीचे, तो पहले ये पानी के जिस कुएँ से पानी खींचने के काम आते थे ऊपर से, कैसे तो चलिए आप बताइए थोड़ा सा इसमें। ये हवा वाला पंप होता है, पानी की हवा से चलती है ना, हैंडपम्प की तरह यूज आती है ये, इससे बाहर पानी आता है ऑटोमेटिक। तो पहले पानी निकालने काम आती थी, पानी निकालने काम आती है कुएं से, पानी निकालने से पानी निकालने। और अभी क्या काम आती है, अब ये बंद हो गई कोई काम नहीं आ रही है। अच्छा, तो जैसा कि कान्हा राम जी ने हमें बताया पहले कुएं से पानी निकालने काम आती थी। और इस पर ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए इस पर जो ये बोर्ड सा लगा हुआ है एक साइड में, ये वाला बोर्ड सा लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है साउथर्न क्रॉस लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी चल रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साउथर्न क्रॉस। अब इसका क्या मतलब है आई डोंट नो, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। थोड़ा मैं आपको एक बार और यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक कुआ बना हुआ है, कुआ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कुआ है, लेकिन अभी यहाँ पत्थरों से इसको ढक दिया है। और ये है पवन चक्की का सीन यहाँ से, ये है देखिए बंदर जी उतर रहे हैं ऊपर से, ऊपर चढ़ गए थे पहले, अब ये थोड़ी थोड़ी घूम रही पवन चक्की। अभी हम उस वाली लोकेशन पर पहुंच गए जहां पर रेत का टीला था। और ये जो भाई साहब हैं कान्हा राम जी और मुकेश जी, इनको थोड़ा जल्दी, अभी शाम के 5 बज चुके हैं तो इनको जाना है, तो ये भी जा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया भाई हमने आपको लोकेशन दिखा दी, ये लोकेशन इधर, ये है मिट्टी का पहाड़, तो यहीं से वो सीन शूट किया गया था। इन्होंने लोकेशन बता दी, अभी निकल रहे हैं और हम भी यहाँ से सीन शूट करके फिर घर निकलेंगे। सीन अभी कुछ ऐसा है, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये अलवर से जयपुर के लिए जा रहा है, और इधर साइड में आप जाओगे तो पहले शाहपुर आएगा उसके बाद जयपुर आएगा, ये सीन है। और ये जो आप मिट्टी का पहाड़ देख रहे हो यहीं पर वो सीन आता है जहाँ पर सलमान खान जो हैं चूड़ियाँ लेकर कूदते हैं, तो वो सीन यहीं का है। और ऐसा बताते हैं लोग यहाँ के, अभी कान्हा राम जी बता देते हैं पहाड़ जो पहले यहाँ तक था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दीवार हो रखी है छोटी छोटी सी, तो यहीं तक था ये पहाड़। अभी लोगों ने क्या है कि मिट्टी को यहाँ से ले गए, काट काट के ले गए मिट्टी को, मिट्टी का पहाड़ जो पूरा ख़त्म कर दिया। और अभी हम उधर से पहाड़ के ऊपर जाने वाले थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, देखिए ये बाइक देख रहे हैं आप, 3 बंदे बैठे हैं बिना हेलमेट के और ये आ रहे हैं अभी, तो यही सीन है। यहाँ पर सामने पुलिस चौकी है और हमारे पास नहीं है हेलमेट, आज मैं आपको बता देता हूँ क्लियर, इसीलिए हम इधर से नहीं जा पाए, नहीं तो उधर से आगे से एक है रास्ता ऊपर पहाड़ पर जाने का, इधर से है नहीं रास्ता, तो मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता, ये सीन है। और ये देखिए मनीष भाई बैठे हैं बाइक पे, लेकिन आज मैंने उनको बोल भी रहा था भाई हेलमेट लेके चलो, लेकिन ये हेलमेट लेके नहीं आए, क्या करें, अभी नीचे से ही दिखाना पड़ रहा है सीन आपको। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वही सीन लिया गया था चूड़ियों वाला, थोड़ा सा सीन है। और चूड़ियों वाला जो फर्स्ट वाला सीन होता है यहाँ पे काफ़ी सारे ऊँट निकलते हैं, वो वाला सीन वहाँ पे सामुद में है, वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था। अगर लास्ट वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, करण अर्जुन की जितनी भी मैंने वीडियो बनाई सभी उसमें मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट है वीडियो की पूरी, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से निकलते हैं और ये भी देखिए तैयार हो गए बाइक पर बैठ के निकलने के लिए यहाँ से। अभी एक लास्ट वाला सीन है पहाड़ वाला, तो वो है भरतरी के पास में, फिर वहाँ चलते हैं और वो सीन दिखाते हैं आपको, फिर निकलते हैं हम, हमें भी काफ़ी दूर जाना, अभी हम भी लेट हो जाएंगे तो निकलते हैं। अभी सीन कुछ ऐसा है, माइक मैंने लगाया नहीं है, शायद आवाज़ आपको क्लियर आ रही है नहीं आ रही। और अभी हम भरतरी पहुँचने वाले हैं और भरतरी पहुँच कर हम वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पूरे भीग चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भीग चुके हैं भाई, और हो सकता है ठंडिया जुखाम का माहौल बन रहा है कुछ, हो सकता है ऐसा ही,
और ये देखिए बहुत गजब का नजारा है यहाँ से। थोड़ा सीन दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं आगे। ये देखो भाई सीन क्या शानदार आ रहा है यहाँ से। बारिश का मौसम, अभी बारिश बंद हुई है तो पूरा जो है वातावरण एकदम क्लियर आ रहा है। ये देखिए इधर से, गजब का नजारा है पीछे का। मनीष भाई चलें अब? चलो भाई चलो। चलो ये देखो भाई मनीष भाई, देखो क्या हालत बन गई है भाई। सही बताऊ ना, मुझे पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये देखो भाई पूरे भीग चुके हैं। मनीष को मैंने बोला था भाई थोड़ा रुक लेते कहीं, बोले नहीं। सो फाइनली अभी हम लास्ट वाले सीन पर पहुंच चुके हैं, जो पहाड़ वाला सीन मैंने आपको बोला था दिखाऊंगा लास्ट में। अभी शाम के 7 बजे हैं, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मोबाइल की जो लाइट है वो भी जली हुई है, तभी वीडियो शूट हो पा रही है। तो बैक कैमरा से कोशिश करता हूं सीन दिखाने के, भी वहीं खड़े हैं जस्ट, तो चलिए कोशिश करता हूं वो सीन दिखाने के, अगर दिख जाएगा तो यहां से दिखाते हैं। सो सीन अभी कुछ ये है, जो अब नीचे वाला पहाड़ देख रहे हैं, ये वाला पार्ट लिया गया है मूवी में, और अभी रात हो चुकी है, हम दूर भी काफ़ी आ गए हैं, ये सीन लिया गया है मूवी में। फाइनली सारे सीन मैंने आपको दिखा चुका हूँ, लास्ट वाला सीन था ये भी आपने देख चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। रात भी हो चुकी है हम काफ़ी, ये देखिए सुनसान जंगल है, कोई नहीं है, रात भी हो गई है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अभी हम यहाँ से घर निकलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चलते हैं अभी घर। बोल भर्तृहरि बाबा की जय।